राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का बकाया गन्ना मूल्य को लेकर सरकारी गन्ना विकास समिति परिसर गोला में 50 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। इसके बाद भी अब तक पिछले वर्ष का भुगतान नहीं हो पाने से किसानों में रोष है। प्रिय किसान साथियों नमस्कार, मैं अंजनी कुमार दीक्षित, बजाज ग्रुप से पीड़ित गन्ना किसान, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, जनपद लखीमपुर खीरी। आज हमारे आंदोलन को हाफ सेंचुरी यानी कि 50 दिन पूरे हो चुके हैं। 50 दिनों से अपनी खून पसीने की मेहनत का पैसा, पिछले वर्ष बेचे गए गन्ने का पैसा, शांतिपूर्वक कानून के दायरे में रहकर गन्ना विकास समिति में मांग रहा हूं, लेकिन न अब तक सुधी बजाज मालिक ग्रुप के मालिक उन्होंने ली, न ही उत्तर प्रदेश सरकार ने ली। माननीय गन्ना एक्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन बजाज चीनी मिल कर रहा है। हम किसान हैं, पूरे देश को पालन पोषण करने के लिए सभी को अन्न देने का काम करते हैं। हमारे द्वारे पर कोई अगर याचक आ जाता है तो मुश्किल से 10-15 मिनट लगते होंगे, उसकी इच्छा द्वारे पर पूरी हो जाती है। किसी को भूखे द्वारे से लौटाया नहीं जाता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है आज 50 दिन पूरे हो चुके हैं, हाफ सेंचुरी पूरी हो सकी है, लेकिन क्या इसीलिए बात हमारी नहीं सुनी जा रही कि मैं कानून के दायरे में, संवैधानिक दायरे में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा हूं? सरकार ने अभी तक हमारी सुधि नहीं ली। अगर सरकार के बस में बात नहीं थी बाजार से गन्ना बकाया भुगतान कराना, तो हमारे गन्ना क्षेत्र का जबरदस्ती आवंटन गन्ना विभाग द्वारा बजाज को क्यों कराया गया? उन चीनी मिलों को हमारा क्षेत्र का आवंटन कराया जाता है जो चीनी मिल नगद भुगतान कर रही हैं। हमारा किसानों का परिवार कर्ज के दलदल में जा चुका है, हमारे बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही है। होली का त्योहार सर पर है, लेकिन दुर्भाग्य सरकार के कानून में जो तक नहीं रेंग रहा, बजाज जी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। माननीय मुख्यमंत्री जी कहा करते थे अगर जो चीनी मिल मालिक भुगतान नहीं करेगा उसके लिए जेलें खाली हैं। अरे भाई, आप उनको जेल में नहीं डाल सकते हो तो हमें जेल में पहुंचा दो, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं। आज 50 दिन पूरे हो चुके हैं, हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है, लेकिन आपने बजाज पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या आपको किसानों का दर्द दिखाई नहीं देता? रामू सिंह की लखीमपुर खीरी से रिपोर्ट।